21 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी थी कि कैसे भारत ने अहम खुफिया जानकारियां कनाडा के साथ साझा भी की, लेकिन उस पर कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा था कि भारत ने कनाडा को भारत विरोधी आतंकवादियों, चरमपंथियों और बदमाशों के बारे में जानकारी दी थी। इन सभी को कनाडा में पनाह मिली हुई है। कनाडा ने किसी डॉजियर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन लोगों के मामले में भारत ने या तो प्रत्यर्पण की मांग की या फिर किसी अन्य प्रकार की मदद की मांग की है। 20 से 25 इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में ये मांग उठाई गई। हाल ही में नहीं बल्कि कई वर्षों से भारत ये गुजारिश कर रहा है। तो ये मुद्दा काफी बड़ा हो रहा है और जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने खरी खोटी सुनाई है उससे बिल्कुल साफ है कि भारत इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, 21 तारीख को भी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि बार बार, कई बार डॉजियर सौंपा गया, उन बदमाशों की सूची सौंपी गई जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब विदेश मंत्री का इतना दो टूक बयान कनाडा के बारे में कि वो जो अपनी जमीन पर सक्रिय संगठन है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है और न ही भारत की नीति रही है कि वो दूसरे मामलों में हस्तक्षेप करे या इस तरह कोई कार्रवाई को अंजाम दे। बिल्कुल, असल में अखिलेश कोई रास्ता यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने छोड़ा नहीं। जब कूटनीतिक स्तर पर बात होती है तो ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं और उस पर आपस में बातचीत होती है, एक या तो सहमति या डिसएग्रीमेंट जो भी होता है, जो कार्रवाई होती है। अब जैसे कि आपने बताया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने जब 21 तारीख को जस्टिस ट्रूडो ने जो आरोप लगाया भारत पर, उसके बाद उन्होंने जो बोला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में कोई डॉसियर गया हो, बल्कि ये सालों से हो रहा है। एक एक जानकारी दी गई है, आइडेंटिफाई किया गया है इन लोगों को, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे अलगाववादी हो, या फिर जो गैंगस्टर हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेक्सस है वहां पर चरमपंथियों के साथ, और ये सारी चीजें जो है एक आइडेंटिफिकेशन के साथ बार बार दी गई है, रेगुलर इंटरवल्स पर दी गई है, पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री उठकर अपनी संसद में, उसकी गंभीरता को हम सब समझते हैं, संसद में उठकर किसी और देश पर इस तरह का आरोप लगाता है तो उसका रंग बिल्कुल बदल जाता है। इसीलिए बिल्कुल साफ तौर पर भारत यहाँ बार बार कह रहा है और अब बिल्कुल हाई लेवल पे यहाँ पर विदेश मंत्री जो कि इस वक्त दौरे पर हैं, अमेरिका दौरे पर हैं, UNGA में उन्होंने बोला, उन्होंने अब एक और कार्यक्रम में बड़े साफ तौर पर उन्होंने जब सवाल पूछा गया तो सीधा कनाडा का नाम लेकर बोला कि हम तो ये बार बार कह रहे हैं लेकिन वहां से कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। और इस तरह की चीज भारत की नीति नहीं है, ये कई और देशों के साथ इस तरह की चीजें जोड़ी जाती हैं कि दूसरे देशों में जाकर अपने जो डिसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर वार करते हैं, लेकिन ये भारत की नीति कभी नहीं रही है। तो अब ये बहुत साफ हो गया है कि भारत जो है वो चुपचाप ये एलिगेशन नहीं सहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ भारत जो है वो ना तो नीति के तौर पर करता है ना दूसरी तरह से करता है। और अगर ये भी कहा है जयशंकर ने कि अगर आप सबूत दें, स्पेसिफिक सबूत दें, तो हम ज़रूर इस पर देखेंगे, जो कि एक लोकतंत्र की पहचान है कि अगर सबूत है तो उस पर ज़रूर जाँच होगी और अगर सही निकलता है तो कार्रवाई होगी। कदम ने दूसरा प्रश्न ये कि जिस तरह से कल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद को लेकर की टिप्पणी की और हमने देखा था कि G20 समिट के बाद जो साझा बयान आया भी था उसमें भी आतंकवाद का जिक्र किया गया था और जस्टिन ट्रूडो भी उसमें दस्तखत करने वालों में से एक थे, तो एक तरह से कल का जो बयान है विदेश मंत्री जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ये भी आतंकवाद के मुद्दे पर कनाडा के जो दोहरे मापदंड हैं उनको एक तरह से उजागर करता है। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, काफ़ी वर्षों से ये हो रहा है। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की बात हमने सुनी है, एक देश ने वो भी बात की थी। तो अगर आपके देश में अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको टेररिज्म मानते हैं, लेकिन अगर आपके देश के बाहर हो रहा है तो वो कुछ और नहीं हो जाता है। यही चीज़ जो है वो सामने लाकर UNGA में रख दी है कि अब ये नहीं चलेगा। अगर आप एक रूल को मानते हैं, आपने रूल बनाया है, तो वो रूल जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तभी उसकी धाक होगी, तभी उसका असर होगा। ये होता नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो दूसरे कंट्रीज पर एजेंडा लादने की बात है, उन्होंने साफ तौर पर इसको भी कहा, एक एक चीज जो उन्होंने, एक एक पॉइंट जो उन्होंने वहां पर बोला है, बड़ा साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में अब कोई भी देश जो है चुपचाप इस तरह के एलिगेशन सुन लेगा या चुपचाप जो भी एजेंडा उसके लिए तय किया जाएगा वो मान लेगा। ये बदली हुई दुनिया है, वी आर एट द कटिंग एज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो चीज एक जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत आज उस स्थिति में है जहां पर वो ये तय कर सकता है कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, और इस तरह के आरोप झेलने को तो कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए।